الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. मेरे इंतहाई प्यार मोहब्बत और एहतराम के लायक नाज़िम कन्वेंशन जनाब मुनीर शोभा साहब, जनाब मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब और हमारे सीनियर साथी इंतहाई अदब और प्यार के लायक जनाब वारसी साहब और अंजुमन तलबा इस्लाम के उजरे मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, अमीनुल हसनात शाह साहब का मौज़ू सुखन था किरदार मिशन का आईनादार। उन्होंने फ़ोन पे इत्तला दी है किसी वजह से वो तशरीफ़ फरमा नहीं हो सकेंगे, तो मैं यहाँ पे जब हाजिर हुआ तो हुक्म दिया गया कि आप जाइए और इस मौजू पे गुफ्तगू कीजिए। जमालियाती अंदाज में चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। दो बातें जो इस मौजू में इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें पहली है किरदार और दूसरी है मिशन। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि किरदार क्या होता है और फिर इस चीज का जायजा लेना पड़ेगा कि मिशन किसे कहते हैं और फिर किरदार और मिशन में क्या ताल्लुक है। अच्छे मिशन के जो लोग होते हैं उनके मिशन की अकासी उनके किरदार से किस तरह होती है, उनका किरदार उनके मिशन को किस तरह सपोर्ट करता है, और वो लोग जो बदतमाश होते हैं बुरे मिशन को अपनाने की कोशिश करते हैं उनके मिशन का पर्द उनके किरदार में किस तरह नजर आता है और उनका किरदार उनके मिशन पर किस तरह नजर करता है। ब्रदरान अजीज, किरदार जिसे अंग्रेजी में कैरेक्टर से ताबीर किया जाता है, ये दरअसल इंसान के अखलाक, इंसान के अतवार, इंसान के चाल, इंसान के चलन, इंसान की डीलिंग, इंसान का उठना बैठना, इंसान की इबादत, इंसान के अफकार, इंसान के मामलात और इंसान की तन्हाइयां जिस तरह गुजरती हैं, उन तमाम चीज़ों के मजमूए को किरदार का नाम दिया जाता है। अगर किसी आदमी का चार ढाल ठीक है, उसकी गुफ्तगू अच्छी है, उसकी निशिस्त और बर्खास्त जो है वो मुनासिब है, उस आदमी के कौल में सदाकत है, और अगर कोई आदमी उस जब इबादत की तरफ जाता है तो बेहतर तरीके से अपने रब के सामने जबीले नियाज झुका देता है, इंसान की जो तन्हाइयां हैं वो संजीदगी से गुजरती हैं, वो अच्छी चीज़ों की सोचों में गुजरती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी का किरदार अच्छा है, क्योंकि किरदार के ये जितनी भी जुज़ियात हैं उसके अंदर अच्छी पाई जाती है। और अगर किसी आदमी के अफकार में खराबी हो, अगर किसी आदमी के चार ढाल में जो है वो निखार ना हो, अगर किसी आदमी की गुफ्तगू में पुख्तगी ना हो, किसी आदमी की गुफ्तार में सच्चाई ना हो, सदाकत का फुकदान हो, तो हम ये कहते हैं कि इस आदमी का जो किरदार है वो ठीक नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त देखते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना देखते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इंसानी अफकार की जहाँ मेराज हो सकती है, इंसान जो सबसे बेहतरीन चीज़ सोच सकता है उससे अगर आगे जहाँ सोचे जाना बंद हो जाती है, वहाँ अगर कोई किरदार हो सकता है।
जिंदगी में जो 63 साल या 62 साल जिंदगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाई है, यानी कमरी एतबार से वो 63 ईयर्स बनती है और शमसी एतबार से वो 61 साल कुछ माह 62 साल बनती है, वो जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है उसमें पूरी जिंदगी में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने झूठ बोला। कायनात इंसानी एक गवाही भी नहीं ला सकती। तमाम मुशरकीन, तमाम मुश्तशरकीन, मुश्तशरक उस आदमी को कहते हैं जो काफर होता है लेकिन इस्लाम सीख लेता है, होता वो काफर है, कलमा नहीं पढ़ता लेकिन इस्लामी अलूम पर दस्तरस रखता है, सिर्फ इसलिए सीखता है कि मैं इस्लाम के खिलाफ मवाद जमा कर लूं। पूरी दुनिया के सारे मुश्तशरकीन इकट्ठे हो गए लेकिन एक भी मिसाल ऐसी नहीं ला सके कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला हो। शायद यही वजह है, शायद नहीं यकीनन यही वजह है कि हार्ट ने जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज अपनी किताब लिखी है उसका जो प्रीफेस है उसमें हार्ट लिखता है कि आई एम क्रिश्चियन। उसने हार्ट का पस मंजर समझाऊ कि उसने 100 शख्सियात वो लिखी है जो तारीख इंसानी में चोटी की हुई है, मुसलमानों में से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उन 100 अजीम शख्सियात को उसने सैयद उमर फारूक का नाम दिया है, बड़े बड़े साइंसदानों के उसने नाम दिए हैं, चंगेज का नाम दिया है, ऐसे न्यूटन का नाम दिया है, हजरत ईसा अलैहि सलाम को शामिल किया है, तो उन सब 100 आदमियों को जो उसके ख्याल में कायनात इंसानी में बहुत बड़े लोग हुए हैं उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लिखा है और वो स्टार्ट में लिखता है आई एम क्रिश्चियन एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट द बुक विद द नेम ऑफ एजिस बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद द नेम ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम्स बट आई एम बाउंड टू डू सो बिकॉज देयर इज नो मैच ऑफ मोहम्मद इन द यूनिवर्स। वो कहता है कि मैं ईसाई हूं, उनकी तारीफ और तौसीफ करता, उनके हालात जिंदगी रकम करता, लेकिन मैं मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात से इस किताब की इब्तिदा कर रहा हूं, उनके हालात जिंदगी इसमें रकम कर रहा हूं। कहता है मैं ऐसा करने में मजबूर हूं कि कायनात इंसानी में देयर इज नो मैच ऑफ मोहम्मद, कायनात इंसानी में मुस्तफा करीम के मुकाबले में कोई भी नहीं। कि मैंने आज किया कि एक दफा भी ऐसे कोई आदमी साबित नहीं कर सका कि सरकार ने झूठ बोला, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी गलत मजलिस को इख्तियार किया हो। मिसाल के तौर पर कोई शराब कबाब की मजलिस हो, लोग शराब पी रहे हो, जिंदगी में एक दफा भी नहीं ऐसा हुआ कि सरकार उस पर बैठे हो। पूरी जिंदगी में शराब पीने वाले माशरे में रह रहे हैं लेकिन एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ, एक दफा भी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर में किसी आदमी को उसकी अमानत ना लौटाई हो, अमानत में खयानत की हो। जिंदगी पूरी में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने किसी से वादा किया हो तो सरकार ने वादा ना पूरा किया हो। जिंदगी में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने सरकार से एहसान किया हो, मुरब्बत की हो तो सरकार ने एहसान का बदला एहसान से ना दिया हो। और जिंदगी में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ, हत्ता कि ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने किसी मौसीकी की महफल में शिरकत की हो, उस वक्त ये मौसीकी वगैरह जो आजकल महाफिल मुनक़िद होती है और हम लोग इसको बुरा नहीं समझते, सरकार की पूरी जिंदगी में एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार उस पर शामिल हुए। तो बरादरान वक़ार वसीयत शाम ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कायनात इंसानी में सबसे पहला दर्जा दिया जाता है, सबसे अजीम समझा जाता है और उनको तमाम मखलूकात में सबसे आला समझा जाता है, उसकी और दीगर बेशुमार वजूहात के अलावा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सरकार अच्छे लगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज़ूर को आखिरी नबी बनाया है वगैरह वगैरह, लेकिन इंसानियत के एतबार से जो सबसे बड़ी खूबी है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बुलंदी है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا جو خلق ہے اسے عظیم فرمایا ہے، آپ کا جو خلق ہے وہ عظیم ترین ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آئیے آپ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کا اخلاق دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کو لیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حیا اور شرم کے پیکر تھے، آپ کی زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ نے پورے جسم کو ننگا کر کے غسل کیا ہو، اپنی ذات سے وہ اپنے جسم کو اتنا چھپا کے رکھتے تھے، اتنا حیا کرتے تھے کہ آپ جب غسل فرماتے تھے تو تیمن پہن کے، تیمن باندھ کے آپ غسل کرتے تھے، حالانکہ اکیلے ہوتے تھے، غسل خانے میں ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر شرم و حیا اتنی زیادہ تھی، ان کا کردار اتنا بلند تھا، جس ہاتھ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی پوری زندگی اس ہاتھ سے انہوں نے استنجا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا کردار تھا، یعنی ایک دفعہ جو ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مس ہو گیا ہے، اس ہاتھ کو کسی نجس یا ناپاک چیز جسم کے حصے کو نہیں لگا پاتے، برادران ذی وقار فضیل احتشام ان لوگوں کے یہ کریکٹرز تھے، اور یہ وہ کریکٹر کی پختگی تھی، ان کے کردار کی بلندی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اور پھر ان کے ماننے والے جب تک وہ اعلیٰ کردار اور اخلاق کے حامل رہے ہیں وہ اس پوری دنیا پر غلامی کرتے رہے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب ایک مسلمان خاتون جو ایک سرحدی علاقے میں رہتی تھی، اسے مسلمان جو تھے وہ یہ جو ترک مسلمان تھے، عثمانیہ خلافت تھی، اغلب محسن بلا یا کوئی اس طرح کوئی حکمران تھا، اور دوسری طرف ولیم ٹو جو تھا وہ روم کا بادشاہ تھا، تو اس نے کیا یوں کہ مسلمانوں کی کچھ لوگوں کو گرفتار وغیرہ اغوا کیا، تو وہ مسلمان خاتون جو تھی وہاں پہ گرفتار تھی، وہاں سے اس نے ایک لیٹر لکھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، مجھے لوڈی بنا دیا گیا ہے اور مجھے فلاں جگہ رکھا گیا ہے، اور اے مسلمان بادشاہ تو آ میری مدد کر۔ وہ لیٹر جب اس مسلمان کو پتہ چلا، مسلمان بادشاہ کو ملا، تو اس نے حملہ کیا، جا کے خیر اس ولیم کو گرفتار کر لیا گیا، اسے لے آیا گیا، بہن کو آزاد کرا لیا گیا۔ لمبی بات ہے، ابھی کشمیر کے موضوع پہ گفتگو نہیں کرتا کہ میں جذباتی انداز میں بتاتا کہ کس طرح مسلمانوں نے جہاد کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جب لایا گیا گفت و شنید کے بعد، اسے جب چھوڑا گیا تو اس نے ولیم نے کہا مسلمان بادشاہ سے کہ اگر تم میری قید میں ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، اگر تم میری قید میں ہوتے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا، لیکن میں تیری قید میں تھا، تو نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ مسلمان بادشاہ نے کہا کہ کافر اور مسلمان میں یہی فرق ہے، مصطفیٰ کریم کو جو ماننے والا ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اس کے کردار میں انسانیت کو نقصان پہنچانا نہیں، انسانیت کو دکھ پہنچانا نہیں، انسانیت کو جو ہے وہ آرام عطا کرنا ہے، لیکن تو کافر ہے، مسلمانوں کے عقائد کے خلاف تیرے عقائد ہیں، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا کرارہ تم نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا، لہذا تیرے کردار سے یہی کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جب کوئی تیری جو ہے قید میں آئے گا تو تم اس کی گردن اتار دے۔ تو برادران ذی وقار، یہ تھا مسلمانوں کا وہ بلند کردار، بلند اخلاق۔ سیدنا مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرحندی سرحند میں بہت بڑا مزار ہے ہندوستان میں، اور موجودہ جو 100,000 سال ہیں، 1,000 سال جب سرکار کی ہجرت کے بعد 1,000 سال مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو 1,000 سال شروع ہوئے تو اس موقع پہ ان کی ولادت میں انہیں مجدد الافسانی کہا جاتا ہے، شیخ احمد سرحندی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، خلیفہ تھے، اور اکبر نے جو دین الہی شروع کیا تھا اس
इलाही के सामने डट गए। अकबर ने पूरा जोर लगाया, अकबर के पास जहांगीर आया, एक्चुअली उनकी क्लैश जहांगीर के साथ हुई थी, तो जहांगीर ने पूरा जोर लगाया कि मुजद्दद अफसानी जो है वो जेरे लगी हो जाए। उन्होंने सजदाए तामीर ताज़ीमी करवा रखा था, तो उसने कहा कि एक ही हरबा हो जाए कि हजरत मुजद्दद अफसानी जो है वो सजदाए ताज़ीमी दे दे। लेकिन मुजद्दद अफसानी का वो बुलंद किरदार था, वो किरदार की जो चट्टान थी उनकी, उसके सामने उस बादशाह के सारे अज़ाइम वो चकनाचूर हो गए। पूरी कोशिश के बावजूद, तमाम लालच देने के बावजूद, एक बार भी वो मुजद्दद अफसानी की राय को या ख्वाहिशात खरीद नहीं सका, उनके इरादे को खरीद नहीं सका। ताकि उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें सजाएं दी गई, उन्हें तकलीफें दी गई, लेकिन हजरत मुजद्दद अफसानी का वो जो मजबूत किरदार था उसके सामने वो भार को राजा था। और ऐसा भी हुआ कि बादशाह जो है उसने जब मुजद्दद पाक को जेल में भेजा है, तो उसके बाद जो नहा खाने में, जनान खाने में जब वो गया, तो बेशुमार उसे परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ा। तो उसने ये माना, ये मुजद्दद अफसानी के बुलंद किरदार को जब मैं खरीद नहीं सकता, उनको जब मैं बेगुनाह तंग कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये मुसीबतें आ रही हैं, ये परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन भार तो एक तरफ गुरूर था, उसकी जो है वो उसके अंदर बादशाही का नशा था, उसने कोशिश की कि बजाय इसके कि खुद जहर हो, खुद मुजद्दद अफसानी की बारगाह में जाए, उनसे माफ़ी तलब करे, लेकिन उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मुजद्दद अफसानी के किरदार के सामने उसे जेर होना पड़ा। ब्रादरान अजीज, उसके मुकाबले में आप फिर कुरून उल्ला में चले जाइए, सैयद अली करम उल्ला वाजू, सैयद अली करम उल्ला वाजू एक काफर को गिराए हुए हैं, खंजर हाथ में है और उसका सार तन से जुदा किया चाहते हैं कि उसने उन पर थूक दिया है। अब काफर है, उसको कत्ल करना चाहते हैं कि वो इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का मुनकर है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, लेकिन उसने आगे से उनके चेहरे पे थूक दिया है, उसको जहर है, बहुत जल्दी कत्ल कर देना चाहिए था अगर एक आम सोच का आदमी सोचता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उसने मुझे थूका, मुझ पर थूका है, उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसने पूछा आपने क्यों छोड़ा है, उन्होंने कहा जब मैं तुझे कत्ल कर रहा था तो उस वक्त मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन अब जिस वक्त तूने मुझ पर थूक दिया है तो अब मेरी जाती जज्बात की मैसेज भी इस कत्ल में शामिल हो रही है। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी आदमी को अपनी जात की वजह से, अपने जज्बात के साथ, जब जज्बात से मखलूब होकर कत्ल करूँ, मैं तो अल्लाह और उसके रज़ा, रसूल की रज़ा की खातर कत्ल करूँगा, लिहाजा मैं इस वक्त तुम्हें कत्ल नहीं करता। और यह किरदार के वो आदमी मुसलमान हो गया। और बेशुमार तारीख इस्लामिया में वाकयात भरे पड़े हैं जहाँ मुसलमानों के आला अखलाक और आला किरदार की वजह से लोग मुसलमान हो गए। मिसाल के तौर पर फलस्तीन में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फलस्तीन की चाबियाँ उनको दी गई थी, लेकिन रूम के साथ जो जितना भी सहेली बॉर्डर इलाका लगता था, वहाँ से मुसलमानों ने जब फतह कर दिया तो उन लोगों से मुसलमानों ने खराज वगैरह जुजिया देना शुरू कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दुश्मन के हमले ने शिद्दत इख्तियार की और मुसलमानों के लिए मुमकिन न रहा कि उस कुछ अरसे के लिए एक इलाके पे कब्जा बरकरार रखें। तो उन्होंने जब पॉलिसी ये तय की कि हमने यहाँ से रिटायर होना है, पीछे जाना है, पसपा होना है एक जंगी टेक्निक के तहत, तो उन्होंने उस इलाके के लोगों से जो जिजिया लगाया था, उन्होंने कहा कि यह आप वापस ले। उन लोगों ने कहा कि ये आप जिजिया क्यों हमें वापस दे रहे हैं, आज तक तो हमें किसी ने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा बात यह है कि आपसे हमने जो जिजिया लिया था वो लिया था आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको दुश्मन से प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन इस वक्त जंगी तौर पर हम इस पोजीशन में नहीं है कि आप हम प्रोटेक्शन दे सके। इस एक बार से हमारा दीन हमें यह सिखाता है कि जो पैसे जिस मकसद के लिए हमने लिए थे वो हम पूरे नहीं कर, वो मकसद इस वक्त हम पूरे नहीं कर पा रहे, लिहाजा वो पैसे हम आपको वापस करते हैं। ब्रदरान अजीज, इन चीज़ों का तारीख में लोगों में बहुत असर हुआ। तारीख आप उठा के देखें, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे एक आदमी आया दाद मुसलमान हो गए, वो दरअसल उनका वो पुख्ता किरदार हुआ करता, उस पुख्ता किरदार की वजह से ये मामला थे। अब दूसरे मौजू की तरफ, नुक्ते की तरफ जाता हूँ कि मिशन क्या है। मिशन दरअसल वो अल्टीमेट गोल होता है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं।
मिशन दरअसल आपका मकसद जिंदगी होता है। मिशन वो अहदाफ होते हैं जिनको हासिल करने के लिए एक इंसान अपनी जिंदगी भर को लगाने के लिए तैयार हो जाता है। बाज़ लोग जन्नत के हुसूल को अपना मिशन बना लेते हैं, वो नेकी करते हैं। बाज़ लोग अल्लाह की रजा को अपना मिशन बना लेते हैं, वो नेकी करते हैं। बाज़ लोग किसी खास तंजीम की कामयाबी को अपना मिशन बना लेते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। बाज़ लोग दुनिया में कुछ जाओ मर्तबा हासिल करने के लिए मर्तबा हासिल करना अपना मिशन बना लेते हैं, लिहाजा उसके लिए कोशिश करते हैं। तो गोया वो हदफ, वो टारगेट, वो गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपका मिशन होगा। अब जिस किस्म का मिशन होगा उस किस्म का किरदार चाहिए। मिशन अच्छा होगा तो उसके लिए अच्छा किरदार चाहिए। सरकार का मिशन यह था कि इस कायनात इंसानी को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा दिया जाए, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था। तो इतने अजीम मिशन के लिए जरूरी था कि ऐसा किरदार हो जिसने जिंदगी भर में झूठ ना बोला हो, ऐसा किरदार हो जिसकी तरफ कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा किरदार हो जिस पर मुखालिफ भी गवाही दे, ऐसा किरदार हो कि एक दफा अगर उसके जुबान से यह निकल जाए कि अबुल्लाह अल्लाह अबुल्लाह के इस बेटे पर तू अपना कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे तो अबुल्लाह भी कांपना शुरू कर दे। है वो काफिर, वो मानता नहीं है, लेकिन उसको यह पता है कि इस जुबान से जो बात निकलती है वो गलत नहीं हुई। तो ब्रादरान अजीज, बड़े मिशन के लिए बड़े किरदार का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपका मिशन क्या है और इस मिशन के लिए आपका किरदार क्या होना चाहिए। यह तो तय हो गया कि मुसलमान जो कुरून उल्ला में थे उनका किरदार बहुत बड़ा था, ये बात तय हो गई। यह भी तय हो गया कि मिशन जैसा होता है किरदार वैसा ही होना चाहिए। अगर किरदार और मिशन में तकबीक ना हो तो फिर मुनाफ़त का आना लाजम होता है। मिसाल देता हूं, अगर एक आदमी है उसका मिशन है दीन की सरबुलंदी, उसका मिशन है कुरानी तालीमात का फ्लोर, लेकिन वो बंदा है चोर, वो है डकैत, वो लोगों के साथ जुल्म करता है, ज्यादतियां करता है, लोगों के हकूक छीनता है, उनकी फीसों के पैसे अपनी जेब में डालता है, किसी किस्म से भी तरीके से भी लोगों के हकूक मारता है, गजब करता है, लेकिन उसका मिशन ऐलान ये करता है कि मेरा मिशन है फरोगे फिक्रे कुरान, तो उसके इस किरदार से और इस मिशन से जब दोनों को हम सामने रखेंगे तो हम कहेंगे कि यह आदमी झूठा है, क्योंकि इसका जो किरदार है इसके मिशन की तायद नहीं कर रहा, इसका किरदार और है, ये सोचता और है, करता और है, कहता और है, और अमली तौर पर जाहिर ये कहता है कि ये अच्छे मिशन की तरफ जा रहा है। ब्रादरान अजीज, इस किस्म के किरदार के आदमी को हम नफाक से ताबीर करते हैं कि ये मुनाफिक है, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये दगाबाज है, ये करता और है, कहता और है, इसके कौल और फेल में तजाद है। और अगर एक आदमी मिशन ये जाहिर करता है कि मेरा मिशन है फरोगे फिक्रे कुरान, सुबह और मसा वो कुरान मजीद की तलावत में गरकाब रहता है, वो आदमी तर्जमाए कुरान पढ़ता है, सीखता है, अरबी सीखता है, अरबी ग्रामर सीखता है, इल्मे वानी सीखता है, असूल तफसीर पढ़ता है, इल्मे तफसीर जो है वो सीखता है, और उसके बाद कहे कहे दुरुस्त देता है, तो हम कहेंगे कि ये अपने मिशन के साथ सच्चा है। अजमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, आपका मिशन क्या है? आपका मिशन एक जुमले में बंद है कि अंजमन तलबा इस्लाम का मकसद नौजवानों के दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फरोज़ा करना है। जो तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह पैदा करना है, जो इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मुमकिन नहीं। गोया आपका मिशन जो है वो सही इस्लामी रूह है, और सही इस्लामी रूह कैसे आएगी कि इश्क़े मुस्तफ़ी पैदा कर दिया जाए, यानी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इस्लामी रूह से क्या मुराद है। एक आदमी
सरकार की तौहीन की जाए, सरकार से दूर रहा जाए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतना बरता जाए, आपकी तालीमात से दूरी इख्तियार की जाए, और फिर ये सब कुछ करके वो कहे कि मैं इस्लाम की खिदमत करता हूँ। एक आदमी सैयदी मुर्शिदी जानबी कहता है, एक आदमी सैयदी मुर्शिदी मौदूदी कहता है, मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन वो आदमी है जो इस्लाम के नज़दीक ज्यादा सही है, जो अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक ज्यादा जिसकी बातें मकबूल हैं। मुझे अफसोस हो रहा है आज के उस नाम नहाद दानश्वर पे, मैं नाम नहीं लेता, जिसने गुज़िश्ता दिनों अखबार में लिखा कि जनाब जमात इस्लामी ने पहले ये जो है वो तरीका अख्तियार किया, फिर ये अख्तियार किया, फिर लिखा कि ये जब तरीका अख्तियार किया सियासत का तो फिर सैयदी सैयदी मुर्शिदी मुर्शिदी के नारे शुरू हो गए। उसको ये जुर्रत ना हुई कि सैयदी सैयदी के साथ अगली बात भी लिखता। उसकी वजह यह थी कि सही नारे वालों ने उनको डोमिनेट कर दिया, सही मिशन वालों ने डोमिनेट कर दिया, ये दूसरी बात है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जब एक आदमी ये कहता है कि सैयदी मुर्शिदी या नबी तो इसका मतलब है जुबान से वो इश्के मुस्तफी का इजहार कर रहा है। जब इश्के मुस्तफी का वो इजहार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दरअसल नौजवानों के दिलों में और अपने दिल में सही और अपने दिल में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा फरोज़ा करना चाहता है, और वो सही इस्लामी रूह अपने अंदर और अपने साथियों के अंदर पैदा करने का ख्वाहिशमंद है। ब्रदरान अजीज, लेकिन इसके बाद ये भी देखा जाएगा कि ये दावा करने के साथ बरह रास्त दावा करे या बिल वास्ता दावा करे। बरह रास्त दावा यह है कि मैं अंजुमन-ए-इस्लाम का कारकुन हूँ, मैं अंजुमन का नाज़िम हूँ, और बिल वास्ता दावा यह है वो सैयदी मुर्शिदी या नबी का नारा बुलंद करे। ये भी दावा है दरअसल कि मैं अंजुमन का कारकुन हूँ, मैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाई हूँ, मैं तलबा में सही इस्लामी रूह पैदा करना चाहता हूँ। अब देखा जाएगा कि क्या वो सच्चा भी है कि नहीं, वो सदाकत बोल उसके कौल और फेर में सदाकत है कि नहीं, उसके अखलाक और किरदार में जो है वो मजबूती है या नहीं, वो लोगों के साथ अच्छे मामलात करता है या नहीं, लोगों के साथ डीलिंग उसकी कैसी है, मोहल्ले में उसका चाल चलन कैसा है, वो मोहल्ले के बच्चे नौजवान बूढ़े माएँ और बहनें उसके बारे में क्या रवैया रखती हैं, उसके क्लास फेलोज उसके उस्ताद उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं। अगर इन सारे लोगों के रिमार्क्स उसके बारे में अच्छे हैं, मोहल्ले के मौलवी साहब भी कहते हैं नमाजी बच्चा है, माँ बाप कहते हैं इंतहाई मुअद्दब है, उस्ताद कहते हैं मेहनत से पढ़ता है, तंजीमी साथी कहते हैं कि बार बार दफ्तर में आता है तंजीमी काम करता है, मोहल्ले की माएँ बहनें कहती हैं शर्म हया वाला बच्चा है, तो बच्चे कहते हैं हमसे प्यार करता है, बुजुर्ग कहते हैं हमसे अदब करता है, तो हम कहेंगे कि ये वाकई अंजुमन-ए-इस्लाम के मिशन के साथ सही आदमी सच्चा आदमी है, और अंजुमन-ए-इस्लाम का जो मिशन है उसमें क्या आदमी कामसन है कि इसका किरदार बुलंद है और इसका मिशन भी बुलंद है। मिशन की बुलंदी किरदार की बुलंदी जब दोनों बुलंदियाँ मौजूद है इसका मतलब वो सच्चा है। बात यह है कि अगर एक आदमी दावा करता है कि मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, दावा यह करता है कि मैं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, दावा यह करता है कि मैं अंजुमन तलबा-ए-इस्लाम के मिशन के फरोग के लिए काम करता हूं, लेकिन इस दावे के साथ अपने किरदार से इस दावे को साबित नहीं करता, बात करता है तो संजीदगी नहीं होती, हंसता है, बात करता है तो झूठ बोलता है, बात करता है तो मजाक करता है, दोस्तों यार दोस्तों से मिलता है तो उनको गालियां देता है, उनसे घटिया मजाक करता है, किसी के दो चार पैसे उसके हाथ में है तो वो दबा लेता है, लोगों के साथ उसके मामला गड़बड़ है, लोग उसको अमीन नहीं समझते, सादिक नहीं समझते, बदअहद समझते हैं। ब्रदरान अजीज़, वकार वो अंजुमन तलबा-ए-इस्लाम के इस अजीम मिशन के साथ उसका किरदार मुवाफ़क़त नहीं रखता, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये आदमी जो है ये अगर पूरा मुनाफ़त नहीं किया तो इसमें नफाक की कुछ ना कुछ आमेज़श आ गई। अब ये आपने फैसला करना है कि आपका और मेरा किरदार कैसा होना चाहिए, अपने अपने मन का आप जायजा लीजिए, क्या आप सारे बार बार नमाजें पढ़ते हैं, क्या जब अंजुमन तलबा-ए-इस्लाम का इजलास हो रहा होता है आपका तहसीली सूबाई या मरकजी मशावरत जब बाकी किसी सतह के इजलास, क्या आप लोग वो इजलास एट द कॉस्ट ऑफ नमाज जारी रखते हैं या नहीं, अगर आसान हो
मिशन के साथ इज्तमाई तौर पर सच्चे हैं। ये जो किरदार होता है ना, ये मिशन का आयना दार होता है, लेकिन किरदार इंफरादी भी होता है, इज्तमाई भी होता है। इज्तमा भी कई किस्म का होता है, एक इब्तदाई इज्तमा होता है, एक आला इज्तमा होता है। इब्तदाई इज्तमा आपका यूनिट है, कारकुन अगर इंफरादी तौर पर नमाजें पढ़ता है लेकिन यूनिट पर आकर नमाजें नहीं पढ़ता, यानी जब तन्हा घर में होता है नमाज पढ़ लेता है, दफ्तर में आता है बाकी छह लड़के भी उसके साथ मिलते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वो बुनियादी इज्तमाई स्ट्रक्चर है, वो यूनिट है, उसमें गड़बड़ है, वो यूनिट ठीक नहीं है। उस इज्तमाई माहौल में नफाक का असर है, उस इज्तमाई माहौल का किरदार कमजोर है, और वो जो तन्हा बच्चा है जो घर में नमाजें पढ़ता है उसकी इंफरादियत ठीक है, उसकी इज्तमाईत खराब है। और फिर जो जो यूनिट्स को मिलाए एक शाख बन जाती है, शाख के इजलास का किरदार देखा जाएगा कि शाख का इजलास वो भी एक इज्तमा है, उसका एक किरदार कैसा है। फिर कई शाखों का मजमुआ एक जिला बनता है, उसका किरदार देखा जाएगा। कई असला का मजमुआ एक सूबा बनता है, उसका किरदार देखा जाएगा। कई सूबों का मजमुआ जो है वो मुल्क बनता है, फिर उस मरकजी सतह पर किसी तंजीम का किरदार देखा जाएगा। तो किरदार के मेजरमेंट के ये कई दर्जे हैं बरादरान अजीज। कामयाब लोग वो होते हैं जिनका इब्तदा से लेकर इंतहा तक किरदार सालेह हो, जिनके कायदीन भी सालेह हो, जिनके कारकुनान भी सालेह हो। कायदीन भी संजीदा हो, कारकुनान भी संजीदा हो। कायदीन जो है वो भी कौल के पक्के हों और कारकुनान भी कौल के पक्के हों। कायदीन जो है वो भी नेक हों, नेक सीरत हों, और कारकुनान भी ऐसे ही हो। जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, तो अच्छी तंजीम बनती है। और अगर अच्छी तंजीम हो और उसका मिशन भी सारे हो, जैसे मंजिल व इस्लाम का है, तो फिर इस कायनात में उनके सामने कोई दूसरी कुवत नहीं है। और याद रखना कि आज तक जितनी भी कौमें तबाह हुई है, अल्लाह हज़रत ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि जब किसी कौम को हम तबाह करना चाहते हैं तो उनमें इस किस्म की बुराइयां पैदा कर देते हैं, उनका अखलाक और किरदार पहले बिगड़ जाता है, और अखलाक और किरदार के बिगड़ने के बाद वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम को अरूज देना चाहता है, किसी कौम को इज्जत देना चाहता है, किसी कौम को तरक्की देना चाहता है, तो फिर उस कौम के अंदर आला अखलाक और आला किरदार के हामिल लोगों को पैदा करवाता है। ब्रदरान अजीज, आप अपने दिल कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दस्तगीरी फरमाएगा। आप अपने दिल अपने अखलाक और किरदार को सालेह बनाने की कोशिश करें। ज़ाते समदियत की बारगाह बेकसना से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो आपकी इस नेक जज्बे नेक तमन्ना को पूरा फरमाएगा और आपके किरदार को सालेह बनाने में आपकी दस्तगीरी फरमाएगा, आपको बुराइयों से अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाएगा। और एक दो आखिरी बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ब्रदरान अजीज, नेकी और बदी इन दोनों के मुकदमात होते हैं, किरदार की सालियत के भी मुकदमात होते हैं और किरदार की खराबी के भी मुकदमात होते हैं, और इन मुकदमात के दरमियान में एक नुक्ता इत्तसाल होता है। आम तौर पर एक नौजवान उस नुक्ता इत्तसाल पे खड़ा होता है, आप जितने भी हैं और मैं भी, नॉर्मल हालात में हम उस नुक्ता इत्तसाल पे खड़े होते हैं। वहां से एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बड़ाई है, एक तरफ खूबियां हैं, एक तरफ उछलापन है, एक तरफ किरदार का निखार है, और एक तरफ पस्ती है, जिल्लत है, रुसवाई है। उस नुक्ते इत्तेसाल में हम सब खड़े हैं, इसी को अंग्रेजी में रेजर एज कहते हैं। अब जरा सा उस तरफ सिरक गया तो बहुत आगे चला गया, जरा तरफ इधर चला गया तो बहुत पस्ती में चला गया। उस नुक्ते इत्तेसाल पर जब आप खड़े हैं, अब मैं मिसाल से समझाता हूँ कि किरदार की सालियत के मुकदमा क्या है। आप खड़े हैं, आपकी सोच जो है वो नेकियों की तरफ जा रही है, आप अच्छी बातें सोच रहे हैं, अनमन का काम ऐसे हो सकता है, दरस कुरान ऐसे हो सकता है, दरस हदीस हमें अरेंज करना चाहिए, महफिल दाद का इनेकाद करना चाहिए, दोस्तों के साथ शब बेदारी करनी चाहिए, शब बेदारी में ये काम करने चाहिए। ये दरअसल उस नुक्ता इत्तेसाल से इन मुकदमात के जरिए आप नेकी की तरफ जा रहे हैं कि आपने नेकी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आप इस नुक्ता इत्तेसाल पे खड़े हैं और आपने सोचा कि मुझे वज़्ब करना चाहिए, मैं तो दो नफर पढ़ लेता हूँ,
मुझे वजू करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, मैं वजू कर लूं। सिर्फ वजू करना ही सरकार की सुन्नत है, इंसान पाक रहता है, गुनाहों से बचा रहता है। ये जब सोचा आपने तो पहले गया एक कदम आप नेकी की तरफ चले गए, फिर आपने दूसरी नेकी कर ली, आपने वजू फरमा लिया, फिर आपने तीसरी नेकी कर ली, आपने कुछ तस्बीहात पढ़ ली। तो ब्रादरान अजीज, इस प्रोसेस से आप नेकी के करीब हो रहे हैं, किरदार की पुख्तगी की तरफ जा रहे हैं। आप जब वजू किया हुआ होगा तो मुमकिन है आप झूठ से बच जाएं, मुमकिन है आप बाकी बुरी चीज़ों से बच जाएं, संजीदगी आपके ऊपर सारी रहेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार और बरकात जो है उनकी बारिश भी जो आप महसूस नहीं करेंगे वो भी आपको मुयस्सर रहेगी। और इसी नुक्ते पर आप खड़े हैं, आप बुराई की तरफ सोच रहे हैं, फलां से ऐसा फ्रॉड कर लें, फलां खातून गुजर रही है उसे देख लें, फलां ये हो रहा है वो कर लें, तो इस किस्म की इस तरफ जब आप जाएंगे तो ब्रादरान अजीज सिर्फ इन सोचों की वजह से आप बुराई की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर छोटी छोटी बातें करेंगे, आप बहुत बहुत दूर निकल जाएंगे। याद रखना कि ना इंसान एकदम बहुत बड़ा अल्लामा बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बनता है, ना बहुत जल्द बहुत बड़ा मुत्तकी वली कामिल बन जाता है, आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेजुअल प्रोसेस से बनता है, ना एकदम डाकू बन जाता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस से बनता है। इसी तरह तंजीमें एकदम बहुत अजीम नहीं हो जाया करती और एकदम बहुत जो है वो पस्ती की तरफ नहीं जाया करती। इज्तमाही किरदार भी आहिस्ता आहिस्ता बनता है और इज्तमाही किरदार खराब भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। इंडिविजुअल का किरदार भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। शायद इसी को किसी ने कहा था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम कोई वाक़या रूनुमा हो जाए, बल्कि उसके पस मंज़र में एक लंबी हिस्ट्री होती है, एक लंबा जो है उसमें तारीखी तसलसल होता है। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया और लोगों को नींद आ रही है, कैदीन को थकावट हो रही है, मैं बात को मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अगर आपने अपने किरदार को अच्छा करना है तो आप मुकदमात से शुरू करें, आप नेक काम सोचें, छोटे छोटे नेक काम करें, रास्ते से पत्थर हटाएं, गरीब को दो चार रुपये, दस रुपये, दो पैसे, जो कुछ भी आपके पास है सदका करें, अंजमन तलबा इस्लाम के लिए ईसार करें, लोगों के साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करें, मुस्कुरा कर किसी से बात करना भी सरकार ने फरमाया यह सदका है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छाई की तरफ ले जाएंगी। बुराई से बचने के लिए आप झूठ से इज्तनाब करना शुरू करें, गलत सोचों से इज्तनाब करें, गलत महफिलों में जाने से इज्तनाब करें, गैर संदिग्ध लोगों से अपने दामन को बचाना शुरू कर दें। ब्रादरान अज़ीज़ वक़ार, इस तरह अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे किरदार के मालिक आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगे। और जितना आपका किरदार मजबूत होता जाएगा ना, आपका मिशन तो अजीम है, इसमें किसी को शक नहीं है, जितना आपका किरदार आप बुलंद होता जाएगा इतने आप अपने मिशन के करीब होते जाएंगे और अपने मिशन के बारे में आप सच्चे होते जाएंगे, अपने दावे के बारे में सच्चे होते जाएंगे। और जितने भी आप अपने मिशन से दूर होंगे, अपने किरदार में जो है वो नापुख्ता होंगे, इतने ही आप अपने मिशन से दूर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका हामी नाज़िर हो, जो बातें मैंने यहाँ की अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अपनी बारगाह में जो है वो कबूल फरमाए, अगर कोई गलत बात हुई है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्ला बिल्लाह।